तो क्या स्थिति है कोयले की? बिजली की संकट है क्या सच में? कोयले की कमी है क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है तो ट्रेनें क्यों बंद कर दी गई? क्योंकि गुड्स ट्रेन है वो जाने के लिए ही छत्तीसगढ़ से 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई। फिर रेल मंत्री से मैंने बात की तो 6 ट्रेन फिर शुरू किए। तो देश भर में सारे ट्रेन क्यों रद्द किए जा रहे हैं? आपके पास यदि कोयला है और ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी नहीं है तो फिर पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात भाई, एक मिनट यार, अब या तो मैं जवाब नहीं दे रहा था, मैं इसलिए बोल रहा था, मैं नहीं बोलूंगा। दूसरी बात यह, फिर विदेश से जो कोयला मंगा रहे हो तो वो इतने महंगे महंगे कोयले मंगा रहे हो आप, और राज्यों को रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। विदेश से कोयला ला रहे हो 15-20 हजार रुपए प्रति टन, राज्यों से जो खदाने हैं उसे मिल रहा 3000-4000 रुपया, और 10 साल से आप रॉयल्टी भी नहीं बढ़ा रहे हो। एक तरफ राज्यों के नुकसान भी पहुंचा रहे हो, दूसरे तरफ विदेश से महंगा कोयला ला रहे हो और यहाँ के कोयला को आप रॉयल्टी भी नहीं दे रहे हो। दूसरी बात, जब आपके पास कोयला नहीं है तो आपको कोयला उत्खनन की आपने व्यवस्था क्या की? ज़्यादा आपको कर लेना था। जब ये स्थिति आने वाली है विदेशों में, दुनिया में जो स्थिति बन रही है, क्या भारत सरकार नहीं देख रही थी? और जो देख रही थी तो फिर जो कोयला खदान से ज़्यादा उत्खनन करके रखना था वो भी नहीं किया। देखिए, भारत सरकार इस सब चीज़ को अरेंज ही नहीं कर पा रही है, चाहे कोयला हो चाहे दूसरी चीज़ें हों। खाद की बात करें, DAP भी उपलब्ध नहीं करा पा रही किसानों को, और अब बिजली भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये तो पावर सेक्टर की बात है, जो दूसरे सेक्टर है उसमें कोयला आप आपूर्ति बिल्कुल बंद कर दिए हैं। जी सर, तो इससे औद्योगिक जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। सर, पेट्रोल के दामों पे भी मोदी जी ने बोला है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वो कम करें थोड़ा प्राइस उसका। आसाम में क्या स्थिति बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि रसोई गैस तो वेट के दायरे में नहीं आता, फिर उसका रेट क्यों बढ़ गया? 400 से आज 1050 रुपया हो गया, उसको कौन घटाएगा? और दूसरी बात, यदि घटाना ही है तो सेस को हटा दीजिए। पहले तो पेट्रोलियम पदार्थों में कोई सेस नहीं लगता था, पिछले साल बजट में शामिल हुआ, इस साल हुआ 4%, आप सेस खत्म कर दीजिए। नहीं तो वेट घटाने में क्या दिक्कत है राज्यों के, जब दूसरे राज्य घटा सकते हैं? नहीं, एक चीज़ घटा सकता है, हिमाचल घटा सकता है। नहीं नहीं, आसाम नहीं नहीं, एक मिनट, कितना है राजस्थान, क्यों नहीं, कितना परसेंटेज है? मेरे यहाँ वेट 23% है, दूसरे राज्यों को बताइए आप कितने परसेंट। वो कह रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरे यहाँ 23% है, दूसरे राज्यों को बताइए। और फिर आप रसोई गैस की कीमत क्यों बढ़ रही है? सेस क्यों नहीं घटा देते भारत सरकार, एक साथ सेंट्रल एक्साइज क्यों नहीं घटा देते भारत सरकार? आप रेट बढ़ाने का काम भारत सरकार करे और वेट घटाने का काम राज्य सरकार करे। और दूसरी बात, सेंट्रल एक्साइज की जो पैसा है 42% का एग्रीमेंट है भारत सरकार ने कहा, क्या उतना मिल रहा है? क्या आप GST पूरा पैसा दे रहे हैं राज्यों को? तो अभी अकेले छत्तीसगढ़ से 30,000 करोड़ रुपए लेना है मुझे भारत सरकार से GST का। GST है, सेंट्रल एक्साइज है, और जो कोयला के जो पेनाल्टी रॉयल्टी लगी है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद, जो पेनाल्टी जो कैप्टिव माइंस पे लगी थी वो 4,140 करोड़, वो मुझे लेना है, मैं मांग रहा हूँ। जबकि कोई भी जो रॉयल्टी है वो राज्य सरकार का होता है, और राज्य सर यदि रॉयल्टी पेनल्टी लगा है वो भी राज्य सरकार का है, और भारत सरकार रखी हुई सुप्रीम कोर्ट के आदेश